वोट डालें, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के साथ ही वो वोट डालेंगे। और क्योंकि देश के प्रधान सेवक हैं, इसलिए हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि वो पूरी प्रक्रिया कतार का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक एक वक्त, एक एक सेकंड बहुमूल्य है देश के लिए। बिल्कुल, और शायद अगर प्रधानमंत्री के पद पर नहीं होते, उस जिम्मेदारी पर नहीं होते, तो शायद वो भी कतार पर होते, आमजन के बीच होते, कुछ बातचीत करते। लेकिन ये अहम देखा है, उनकी माँ कतार में खड़े होके बुजुर्ग होते हुए वोट कास्ट करती थी। और पीएम मोदी बोलते भी थे, बहुत कुछ उन्होंने अपनी माँ से सीखा है, और इसलिए कोई भी शुभ काम हो, कहीं भी जाना हो और इलेक्शन से जुड़ा हो, मुलाकात करने, आशीर्वाद लेने, तो वो जरूर पहुंचते थे। इस बार जरूर वो तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मोदी खुद कह चुके 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार है, मोदी का परिवार है। और ये देखिए, वोट कास्ट कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया के तहत, पर्ची लेकर भी आए, जिनके आशीर्वाद उन्होंने लिए हैं। और देखिए, एक सामान्य तरीके से और एक प्रोटोकॉल को भी देखिए, प्रधानमंत्री उनके सामने है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हर महिला जो यहां पोलिंग एजेंट होगी, वो चाहती होंगी उनके साथ एक सेल्फी हो, उनके साथ एक ऑटोग्राफ हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हैं और प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल, और अमित शाह भी नजर आ रहे हैं रूम के बाहर, क्योंकि अंदर सिर्फ वोटर्स ही जो इस निशान स्कूल में है, यहाँ पर जिनका वोट है वही अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और उसी पूरे नियम को फॉलो करते हुए। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और वोट कास्ट करने के बाद की जो तस्वीर होगी वो बेहद अहम होगी, और वो दर्शाएगी कि देखिए स्याही का निशान कितना जरूरी है, कितना कुछ कहता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, ये सिर्फ स्याही नहीं है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने वोट डाल दिया है। श्वेता, आप बता सकते हैं कि उन्होंने किसको वोट डाला होगा, जरा गैस कीजिए। ये सवाल विजेंद्र, मुझे लगता है कि वो छोटी बच्ची मिली थी ना, अगर आप उससे भी पूछते तो शायद वो भी बता देती कि किसने डाला होगा वोट उन्होंने। लेकिन वोट डालना जरूरी है, देखिए एक मैसेज ये कि वोट डालना जरूरी है। 93 सीटों पर आज वोटिंग जारी है, जिसमें गुजरात की सभी सीटें हैं, और इस मतदान के साथ, इस तीसरे चरण के साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पे तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी अगले चौथे चरण में वो राज्य नजर नहीं आएंगे, वहां पर वोटिंग समाप्त हो जाएगी, जिसमें गुजरात भी शामिल है। एक ही फेज में यहां पर वोटिंग हो रही है आज, 26 सीटें एक निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, 25 अहम सीटें, और उसी में से एक सीट गांधीनगर की, अहमदाबाद की ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने आए गांधीनगर के प्रत्याशी के लिए, और अमित शाह की भी मौजूद है। बिल्कुल, अमित शाह भी उनके साथ है। लेकिन देखिए, जिम्मेदारी निभा दी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वोट डालने को लेकर, मतदान करने को लेकर, मैसेज लगातार, और जब देश का प्रधान, देखिए यहाँ पहुंचने से पहले भी उनका एक्सपर्ट ट्वीट भी आया था, पोस्ट भी उन्होंने किया था कि आम जन से भी, इन 93 सीटों के वोटर्स से अपील की थी कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, वोटिंग परसेंट बढ़ाना जरूरी है, पहले और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंट